यूपी के मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 गणेश घाट चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगना भी बताया गया है, जहां गौ तस्कर अभियुक्त गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार लखनऊ NH 24 गणेश घाट चौराहे पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सेंट्रो सवार 3 अभियुक्त जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो कार सवार बदमाशों ने जंगल की तरफ कार लेकर भागने लगे और पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से अभियुक्त गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके 2 साथी भागने में सफल हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से सेंट्रो 4 व्हीलर कार के अलावा और भी चीजें बरामद की गई है। मुरादाबाद से संवाददाता हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट। का क्षेत्र जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं और ये गणेश घाट चौराहा कहलाता है, पीछे उसका ही जंगल है ये, और यहाँ एक पुलिस से मुठभेड़ हुई है। एक व्यक्ति जो सामने से सेंटो गाड़ी से आ रहा था तो उसे रोका गया, तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया है और इस दौरान पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। मौके पर व्यक्ति इंजर्ड हुआ, उसे जब पूछा गया तो उसने अपना नाम नाजिम निवासी करूला कटघर बताया। इसके बारे में अन्य जानकारी की गई तो ये प्रोफेशनल अपराधी है, इससे पहले भी इस पर कई केस NDPS 302 इत्यादि में, इसके अलावा ये गोकशी के अपने धंधे में भी लिप्त रहा है। इसके बारे में पूर्व से भी सूचना मिलती रही हम लोगों को, तो हमारी टीम ने इसको पकड़ा है। इसके पास एक सेंट्रो गाड़ी थी जिसमें सवार थे ये। मुठभेड़ के दौरान जब इनको रोका गया है तो गाड़ी इनकी यहीं पलट गई, एक तरफ देखा गया तो गाड़ी में मांस है, जो संभवतः प्रथम दृश्य देखने से ऐसा लगता है कि गौमांस है शायद वो, बाकी हम लोग उसे परीक्षण कराएंगे। और जो इंजर्ड है, इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जो यहाँ मौके से जंगल का लाभ उठा के फरार हो गए हैं, उनकी आसपास तलाश करवाई जा रही है और जो इंजर्ड को जिला अस्पताल भेजा गया है उसका मेडिकल इत्यादि कराया जा रहा है। सर, इसका कोई वांछित रिकॉर्ड वगैरह कुछ है? हाँ, जैसा मैंने बताया कि पूर्व के भी मुकदमे इस पर हैं, आम सेट के मुकदमे हैं, NDPS के मुकदमे हैं, गौकशी के मुकदमे हैं, बल्कि मुड़ा पांडे से पूर्व में एक हत्या के केस में भी ये जेल जा चुका है। और हमारा ये वर्तमान में थाना बिलारी से ये वांछित है और वहाँ से इस पर 25,000 का इनाम भी है। सर, कोई पुलिसकर्मी मुठभेड़ में कोई चोटी लिया किस तरीके से? एक कांस्टेबल हमारा इस दौरान थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है, उसका भी उपचार कराया जा रहा है।